ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 28 सितंबर मंगलवार आज के कर्क राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज आपका दिन बेहतर रहेगा, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं जो आगे आपको धन लाभ के अवसर देगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोशिश करें तो आपके सोचे हुए कुछ जरूरी काम समय पर पूरे होंगे। आप कोई भी फैसला लें काफी सोच समझ कर ही लें, भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए आज जरूरी कदम उठाएंगे, आपकी सभी योजनाएं समय से पूरी होंगी। जी हां दोस्तों, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपका पूरा ध्यान अपने कैरियर को आगे बढ़ाने पर ही रहेगा और आपको किसी जरूरतमंद की मदद करके काफी खुशी महसूस होगी। आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, अगर कोई लाभ का अवसर मिले तो उसे अपने हाथों से न जाने दें और साथ ही बिजनेस और निजी जीवन में अपने विरोधियों से सावधान रहें, आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना होगा। जी हां दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। दोस्तों आज यात्रा से कष्ट हो सकता है, वाहन और मशीनरी से सावधान रहें, आप जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें, हो सके तो किसी वरिष्ठ की सलाह अवश्य लें, बोलने से पहले थोड़ा सोच लें कहीं ये बात सामने वाले को बुरी ना लगे, आज जीवन साथी से कोई अनबन हो सकती है किसी यात्रा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय और कैरियर के बारे में। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और मजबूत होगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापारी वर्ग को अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, आपका पूरा ध्यान कैरियर को आगे बढ़ाने में ही रहेगा, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में। आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, आप परिवार वालों के साथ कहीं घूमने फिरने का भी प्लान बना सकते हैं, पारिवारिक रिश्तों में इससे मजबूती आएगी, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भाई बहनों में आपसी स्नेह और प्यार बढ़ा रहेगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, आपको अपने विरोधियों से थोड़ा बचकर रहना होगा। दोस्तों आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, जीवन साथी के साथ आप अपने रिश्तों को लेकर ज्यादा भावुक हो सकते हैं, विवाहित जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं, जीवन साथी को लाभ का अवसर प्राप्त होगा, आपकी किसी से मुलाकात आज दोस्ती में बदल सकती है, दाम्पत्य जीवन काफी प्रेमपूर्ण बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से दूर रहने के लिए आप रोजाना व्यायाम करें जिससे पैर और हाथों में सूजन और दर्द की समस्या से बचा जा सके, ये समस्याएं मौसम परिवर्तन से उत्पन्न हो सकती हैं, आपके लिए बेहतर होगा नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, वानरों को केले खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही भगवान हनुमान को गेरुआ सिंदूर अर्पित करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस प्रकार उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों आपको भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त हो, कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।